ऐसे पॉलिश हम घर पे नहीं कर सकते। ये तो ये कपड़ा भी नहीं बचेंगे असल, ये पॉलिश जो है इस कपड़े की सबसे अच्छा है। अच्छा ये कपड़ा जो है ना ये पॉलिश के लिए खास होते हैं, ये स्पेशल है, ये स्पेशल होता है। ये जो फौजी नहीं फौजी, हाँ हाँ, वो अपने बूट को टो बनाते हैं इससे। अच्छा इसी से साफ करते हैं? हाँ इसको चमकाते हैं ना तो। हाँ हाँ वो भी तो इसके चमक जाते हैं ना। ओ क्योंकि हम घर में करें तो ऐसा नहीं कर सकते। और इसकी क्या आप लोगों के पास ब्रश भी एक ही होता है ना? हाँ। जिस ब्रश से हम पॉलिश लगा लेते हैं ना उससे तो ये चमक नहीं सकते ना? नहीं आ सकती है। हम तो चमक ले लेते हैं। आप आपका तो स्पेशल काम है बिल्कुल। और इसके क्या चार्जेस होंगे? क्या चार्जेस है इसका? हम 50 रुपए लेते हैं। ये तो बहुत कम नहीं है? इधर ये भी बड़ा बहुत। नहीं नहीं आप डिजर्व करते, कम से कम 100 रुपये तो होने चाहिए। लोग कहेंगे क्या पट्टियाँ पढ़ा रही है। नहीं जबरदस्त, बहुत अच्छा काम। ये भी चमक जाएगी, इसके बूट का चमड़ा भी बड़ा जबरदस्त चमड़ा है ना। हाँ इस बूट का चमड़ा भी, अभी तुम देखेगा ना दूसरे कपड़े में उठाऊंगा ना। हाँ हाँ ये एकदम चमक जाएगा। ये क्लार्क के जूते हैं, क्लार्क सब लेदर के हैं। हाँ प्योर लेदर है। तो आपको पहचान हो जाती है अच्छा चमड़ा नहीं है? क्यों हमारा तो सारा जिंदगी इसमें जीती बारिश में गुजर गई है भाई। देखे कितनी मेहनत से एक चीज थोड़ा की है, हम तो ऐसे बस शू शाइनर मार के शाइनर ज्यादा जूते भी जम जाते हैं, खराब कर देते हैं। हाँ मेरे जूते बहुत खराब हुए हैं। ये प्रॉपर आपने पहले शू पॉलिश ये सारा करें तो फिर वो होता है ना, ये होता है ना जब पॉलिश जम जाते हैं ना। हाँ दूसरा आप लोग पॉलिश भी अक्सर स्टोर में पुराना पड़ता है, हम तो रोजाना और हफ्ते ताज़ा ताज़ा पॉलिश लेके आते हैं। पुरानी पॉलिश भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। नहीं आप लोग को तो हमारा हम तो हर हफ्ते में ताज़ा ताज़ा पॉलिश लेके आते हैं ना, हर दिन हफ्ता बाद जाते बाजार। हाँ क्या ज़बरदस्त आपने नया जूता कर दिया भाई। वाओ आई एम इन लव विद माय शूज, एक्सेलेंट बॉस तुसी ग्रेट हो। वाओ ये तो बिफोर एंड आफ्टर बनाना चाहिए था। क्या बात है, ऐसा ज़बरदस्त चमका दिया है, क्या ज़बरदस्त आपने कर दिया। वाओ ये क्लार्क का जूता है जो इन्होंने एक्सेलेंट बना दिया। वाओ 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 मैं अपना एक दफ़ा जूता ना क्लार्क लेकर गई, मैंने कहा भाई जूता मेरा जो है ना ख़राब हो रहा है, और इको भी, हाँ इको है ना इको वो भी स्टोर है, तो उन्होंने कहा जूते को अपने ना बहुत अच्छे तरीके से आपने पॉलिश करना है, साफ रखना है, तभी ये लेदर जो होता है ना ये अच्छा हो जाता है। माय शूज आर रेडी, ये वाओ कितने नए हो गए, इतने पुराने लग रहे थे ये, हाय तो बिल्कुल नए हो गए मेरे शूज। थैंक यू भाई, आपका नाम क्या है? गुलतान। हाँ गुलतान। गुलतान गुलतान का मतलब क्या होता है? आप कहाँ से हैं? बाजोड़ से। बाजोड़, ओके। गुलतान भाई ने ज़बरदस्त मेरे शूज़ कर दिए, आई रियली अप्रिशिएट, ही सच हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत हार्ड वर्कर हैं और अपने काम को बखूबी जानते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगी जिनके पास भी शूज़ है ना अपने प्रॉपर शूज़ पॉलिश ज़रूर कराया करें, हम घर पर नहीं कर सकते हैं। सीरियसली बताऊँ मैं तो बिल्कुल भी, इतनी ताकत एक तो लगती है ना भाई, ताकत भी लगती है, ये नहीं कि बस ऐवें ही, मुझे तो कोई कहना शू पॉलिश करने के लिए उसका मेरा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अच्छा खासा आपका प्रेशर हाथ का जो है ना वो लगता है। थैंक यू सो मच गुल भाई। एंड आप इस वक्त बैठे हुए हैं F6 में, राइट? तो F6 में जितने भी लोग हैं आएँ और गुल भाई से अपने शू पॉलिश कराएं। गुल भाई यहाँ देखें कैमरे में, हेलो बोले, बाय बाय, थैंक यू।